पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने चिन्मयानंद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। चिन्मयानंद की अगली पेशी 30 अक्टूबर को होगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिन्मयानंद की पेशी हुई थी। आपको बता दें कि लॉ कॉलेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से उनकी पेशी की गई। कोर्ट ने चिन्मयानंद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब चिन्मयानंद की अगली पेशी 30 अक्टूबर को होगी। चिन्मयानंद के वकील का कहना है कि वह स्वामी चिन्मयानंद की जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आज उनकी जो पेशी हुई, किस तरह उनकी पेशी की गई थी, आज क्या आगे की डेट मिली है इसमें? क्या माननीय न्यायालय द्वारा स्वामी चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत की जो तिथि थी वो आज की नियत थी, जिसे आज माननीय न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 30 अक्टूबर को पुनः न्यायालय में तिथि नियत है। जमानत याचिका खारिज हुई है तो क्या आगे कोई हाईकोर्ट जाने की तैयारी आपको? बिल्कुल जाएंगे। सत्र न्यायालय से स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका 30 सितंबर को निरस्त कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय से हमको पूरी उम्मीद है कि वहाँ से स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिलेगी।